What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 12 जून 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:24 हो रहे हैं। हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। कल हमने देखा वीकली एक्सपायरी का दिन था और निफ्टी इंडेक्स ने तीन वीक में जो सबसे ज्यादा गिरावट दिखाई है, कल 200 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली है। कल अगर ग्लोबल मार्केट्स के हालात देखें तो कल यूएस मार्केट में जबरदस्त एक फॉल डाउन देखने को मिला है। नासडैक रिकॉर्ड हाई लगा रहा था लेकिन कल करीब 500 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी लाल निशान में बंद हुए हैं और आज जब एशियाई बाजार ओपन हो चुके तो लगभग सभी बाजार लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। एक्सजीएक्स निफ्टी भी 214 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। हालांकि डाउ फ्यूचर को देखें, अभी फिलहाल यहां से कुछ रिकवरी डाउ फ्यूचर में आते हुए दिखाई दे रही है कल के एक जबरदस्त फॉल के बाद। तो हो सकता है इंडियन मार्केट्स में भी आज एक जबरदस्त डीप गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं कि ये कल का पिक्चर है, यानी 11 जून आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,164 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 9,986। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये ब्रेकडाउन लेवल को काफ़ी देर ये पेनेट्रेट कर रहा था और जैसे ही इसने कम्प्लीटली से इसको ब्रेक कर दिया, सस्टेन कर दिया इसके नीचे, तो फर्स्ट टारगेट 9,961 ये यहाँ पर अचीव हुआ और सेकेंड टारगेट भी यहाँ पर 9,940 ये यहाँ पर अचीव हुआ। तो काफ़ी तेज गिरावट कल देखने को मिली कुछ जो लास्ट आवर्स बचे थे उसमें। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो 27 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 20,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। अगर कोरोना वायरस का अपडेट देखें तो अभी इंडिया जो है, भारत चौथा देश बन गया है जहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस सबसे ज़्यादा है। तो ये लॉकडाउन रिलीफ करना काफ़ी दिक्कत भरा साबित हो रहा है। अभी अगर और भी केसेस लगातार दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली फिर से एक बार लॉकडाउन करना पड़ सकता है। अगर लोग अगर फॉलो नहीं करेंगे रूल्स और ये यहाँ से केसेस अगर लगातार बढ़ते जाएंगे और वैक्सीन आने में अगर देर लगती है तो फिर से एक बार लॉकडाउन देखने को मिल सकता है, जो कि स्ट्रिक्टली अभी लागू हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है, जो एक दो रेटिंग फॉर्म्स है उन्होंने भी ऐसा अपना रिपोर्ट दिया है। अमेरिका में भी कल उसी के वजह से और यूएस फेडरल रिजर्व ने जो आने वाली फ्यूचर के बारे में चिंता जताई है तो उसके बाद ये ज़बरदस्त कल यूएस मार्केट में फॉल देखने को मिला। निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते कहाँ पर सपोर्ट के लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो सबसे पहले वीकली चार्ट को देखेंगे। ये वीकली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था। ये जो स्विंग लो बन रहा था, यहाँ पर एक वेव बन रहा था, उसको पकड़ के ये ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पर ये 61.8% का लेवल जैसे इसने अचीव किया तो यहाँ से फिर से एक बार ये करेक्शन हमें और गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। कल इसने ये जो वीकली चार्ट में ये जो 20 EMA है ये अराउंड अभी 10,000 के करीब था, ये इसको ब्रेक कर दिया, इसने 10,000 के नीचे आके कल क्लोज हुआ है। तो आज देखना होगा कि ये वीकली चार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आज का एक दिन बाकी है, तो देखना होगा कि क्या ये 20 EMA के ऊपर आके क्लोज होता है या फिर नीचे ये क्लोज होता है। अगर नीचे ये क्लोज होता है 20 EMA के तो फिर से ही इस बार निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ बढ़ने की आशंका और बढ़ जा सकती है। तो यहाँ पर वीकली चार्ट में ये जो बुली है बेयरिश कैंडलस्टिक बना है, इसका क्लोज कहाँ पर होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। चलते डेली चार्ट में। डेली चार्ट में जैसे कि अभी ये यहाँ पर 100 EMA का सपोर्ट हो सकता है, इसका हम बात कर रहे थे लास्ट कुछ वीडियोस में, लेकिन कल जो यहाँ से ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला है तो इसने जो लास्ट स्विंग लो बना था, यहाँ पर एक स्विंग लो बना था, उसे भी इसने कल ब्रेक कर दिया। तो अगर हम इसे अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दें, इसे अगर हम लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पर कुछ कुछ
हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन रहा है, लेकिन अगर इसका लेफ्ट शोल्डर बने तो ये कंपेयर टू राइट शोल्डर ये प्रॉपर यहाँ पर बना हुआ नहीं है लेफ्ट शोल्डर, लेकिन लगभग ये हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, और इसके नेक लाइन का भी इसने कल ब्रेकडाउन दे दिया। अगर पास्ट में ये अगर फॉल आया था फेब्रुआरी से, तभी अगर हम लाइन चार्ट को एनालिसिस करें, अगर आप तभी से हमें फॉलो कर रहे हैं तब भी ये हमने पैटर्न यहाँ पर तभी आइडेंटिफाई किया था। हेड एंड शोल्डर जो कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है, जो एक डाउनफॉल का सिग्नल होता है, पैटर्न होता है, तो ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, और तभी इसके नेक लाइन का ये ब्रेकडाउन मिलने के बाद, ये ब्रेकडाउन मिलने के बाद यहाँ पर ये ज़बरदस्त हमें गिरावट देखने को मिली थी। तो अभी कुछ लगभग उसी के तरह जैसा पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। तो अगर यहाँ से ये फॉल और गहरा था तो ये कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ पर सपोर्ट हो सकते हैं, इसके लिए हम ये लो और इस हाई को पकड़ के अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करें, तो अभी इसने 23.6 का अभी ये जो लेवल था कल ही इसने ब्रेक कर दिया, इसके नीचे आके क्लोज हुआ है। तो अभी नेक्स्ट सपोर्ट एज पर ये जो लेवल्स है 38.2% का 9750 के पास आ रहा है, जहाँ पर ये गैप क्रिएट हुआ था। अगर कुछ दिनों पहले देखे तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त गैप ऑफ ओपनिंग देखने को मिली थी और वहाँ से कंटिन्यूज ऊपर की तरफ निफ्टी इंडेक्स मूव हुआ था। तो 9750 के पास सपोर्ट हो सकता है, अगर ये फिर ब्रेक होता है तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग निफ्टी टूवर्ड साउथ की तरफ ये सपोर्ट टेस्ट कर सकता है। तो अभी फिलहाल फिर से एक बार यहाँ पर प्रेशर बनता हुआ साफ तौर से दिखाई दे रहा है। तो चलते निफ्टी के 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आज ज़बरदस्त गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ये जो S1 का लेवल है जहाँ पर ये इसने लास्ट एक स्विंग लो बनाया था पास्ट में, वहाँ पर ही पिवट पॉइंट का S1 का लेवल आ रहा है। अभी ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है। अगर काफ़ी ज़बरदस्त गैप डाउन ओपनिंग होता है निफ्टी इंडेक्स, तो ये जो लेवल है जहाँ पर S2 का लेवल आ रहा है, वहाँ पर ही एक गैप अप ओपन जब हुआ था तभी यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ था। तो हो सकता है इस लेवल के पास अगर ये निफ्टी इंडेक्स ओपन होता है 9712 के पास अगर ओपन होता है और इसके नीचे अगर सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फिर फर्स्ट टारगेट होगा 9668, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 9639, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो यह था निफ्टी के लिए आज के लिए ब्रेकडाउन लेवल, अगर ब्रेक होता है तो शॉर्ट करने के लिए ये लेवल्स हैं, और अगर ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करने लगता है यानी नॉर्थ की तरफ, तो ये जो कल का ये जो लास्ट कैंडल बना है ये इसके हाई के ऊपर यानी 9920 के ऊपर अगर ये ट्रेड करने लगता है, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9946, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 9989, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। काफ़ी दिक्कत भरा फ्राइडे आज साबित हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।